नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से नया कैंपस निकाला गया है दोस्तों, नई टाइप की कंपनी है। मतलब ये जो कंपनी है ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी तो है ही, पर जो नाम है इनका बहुत, मतलब ये मानो कि प्रचलित उतना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रचलित नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे होता है कि और अदर कंपनी को आप जानते हैं, जैसे हीरो कंपनी, हीरो मोटर्स या मारुति सुजुकी, ये सभी के जुबान में रहता है होंडा कार, होंडा कंपनी, हीरो होंडा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का नाम आप कम सुनते होंगे, लेकिन बहुत से भाई हमारे ये सोचते हैं कि भाई इस कंपनी का नाम नहीं सुना है, कैसी कंपनी है, कैसी नहीं होगी। तो देखिए कंपनी क्या कि पॉपुलर आप लोग ही बनाते हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं, जैसे हमने कोई बाइक लिया, इसके बाद आपके गांव का कोई भी सामने का आपका पड़ोसी है या आपके जो रिश्तेदार है, आपके कोई भी, आपके पास अगर वही गाड़ी ले लिया, उसी कंपनी के ले लिया और वही मॉडल सेम वही चीज़ ले लिया, तो इस तरह धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। क्यों लिया उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पूछा होगा, देखा होगा कि भाई अच्छी लगती है, कहने कि उसका माइलेज अच्छा है। तो इस तरह से क्या है, कंपनी भी, जैसे हम लोग जॉब किए मारुति सुजुकी में, देखा कि सैलरी ज़्यादा है, यहाँ पर सुविधा अच्छी अच्छी मिल रही है, तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा कंपनी क्या है कि फेमस बन जाती है। तो ऐसा नहीं मान सकते कि जो नई कंपनी होती है उसमें फेमस वो नहीं है, फेमस रहती हैं, बस ये है कि जुबान में नाम कम रहता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कैंपस प्लेसमेंट कर रही है, तो चलिए उस कंपनी के पूरे डिटेल्स में अपन देखते हैं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से अपन समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकाला गया है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, आसानी से आप जो भी चीज़ें हैं इसका समझ लो। गवर्नमेंट मॉडल आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है ये, तो सेक्टर 5 रोहतक, फ़ोन नंबर के साथ और यहाँ पर email ID प्लस जो भी है, तो ITI का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये सब चीज़ें जो आपको प्राइमरी लेवल में जो जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर कंपनी का जो है तो ऑफिशियल साइट से भी पता चल जाएगा और कॉलेज के जो वेबसाइट है उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लिया गया है। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज, तो दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वर्कर्स टेक्नीशियन की और अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज की। तो यहाँ पर मतलब आप जॉब भी कर सकते हो, अप्रेंटिस भी कर सकते हैं, जिनको अप्रेंटिस करना है अप्रेंटिस कर सकते हैं, जिनको जॉब करना है जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मैन पावर की जो प्रोसेस के रिक्वायरमेंट है कौन कौन से ट्राई, तो देखिए सिंपली यहाँ पर ट्रेड ही बता दिए गए। ट्रेड यहाँ पर जो तो डाइवर्सिफाइड कर दिया गया, मतलब आपको डिवाइड कर दिया कितनी पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है कौन कौन से ट्रेड के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बता दूँ, अगर आप लोग दूर से हो और ये वीडियो देख रहे हो, पर आपको जो है तो मान लीजिए आपने ITI करा है और जो भी यहाँ पर दिख रहा है, जैसे सीट मेटल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल से कारपेंटर प्लम्बर जो भी है, तो भी यहाँ पर जाने से पहले एक बार सोचना जरूर। पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों थोड़ा कम है, तो वो चीज़, लेकिन जो पास के लोग हैं वो ज़रूर इसमें भाग लेना दोस्तों, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं है कि अगर एक बार रिक्वायरमेंट दोबारा रिक्वायरमेंट आएंगे, बहुत से भाई फिर यहाँ से उनका मन होता है कि भाई अब छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट और भी आ सकती है दोस्तों, कंपनी अगर डिमांड पड़ती हो तो रिक्वायरमेंट आएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो उसमें आप जो है तो अभी जो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो 8 जुलाई को कैंपस है, आपको और भी वीडियो मिला होगा 8 जुलाई के लिए, लेकिन दोस्तों जिनको पास में ये पड़ रहा है वो ज़रूर यहाँ पर जा सकते हैं। 8-10 वही टाइम तो लगभग सेम ही रहता है कैंपस का, वही जो स्कूल कॉलेज का या ITI का जो टाइम रहता है, 10 बजे से स्टार्ट होता है कैंपस। और यहाँ पर देखते हैं SF ग्लोबल जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी है, ये रोहतक हरियाणा में पड़ती है, और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ यहाँ पर पूरा डिटेल्स ही बता दिया गया, तो कोई डाउट यहाँ पर रह नहीं गया। अब अपन बात करते हैं जो ITI स्टूडेंट का क्या क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब जो सैलरी है वो क्या क्या है। तो ITI जो पास है उनके लिए सैलरी 14,300 दोस्तों, यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो सैलरी कितना अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर ऑफर की जा रही है। तो बहुत से भाई सोचते हैं मारुति सुजुकी में हम जाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सैलरी इसमें भी अच्छी खासी मिल रही है, और ड्यूटी 8 घंटे का प्लस ओवर टाइम और नेक्स्ट नाइट ड्यूटी प्लस वीकली बेसिस, तो ये सब सुविधा के साथ अगर काउंट करते हो, डेली ओवर टाइम की बात हो रही है, तो मतलब 200 रुपये ये डेली 4 घंटे का, तो यहाँ पर मान सकते हो कि लगभग वही 20 तक आराम से आपका सैलरी जो है तो पड़ जाएगा। ESI बेनिफिट, अटेंडेंस इंसेंटिव, कन्वीनियंस और सिलेक्शन जो मोड होगा, तो वहीं पर आपको डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन होगा। पेपर वगैरह जो भी होगा, थोड़ा बहुत पेपर होते हैं, कोई टेंशन लेंगे और उसमें परेशान नहीं होना है। मतलब उसमें क्या है कि ज़्यादातर आदमी फेल नहीं होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि फेल नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं, फेल होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप फेल होगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप बिल्डर से ITI कर रखे और बिल्डर से जो भी यहाँ पर ट्रेड का ही नॉलेज पूछा जाए और आपको नहीं बने, तो फिर दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बुरी बात है ये।
दोस्तों ये सब पूछा जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कहें वो जरूर जाइए। तो चलिए आपसे दोस्तों मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में।